हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है मैगी रोल। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए फ्रेंड, मैगी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी अगर आप लोग को मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैगी रोल बनाने के लिए हमने लिया है 2 छोटे पैकेट मैगी, ये हमने लिया है 6 ब्रेड के स्लाइस, ये है हमारा 1 प्याज जिसको हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, 1 गाजर है जिसको हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च है इसको भी पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, ये है हमारा बंद गोभी इसको भी हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैगी रोल बनाने के लिए हमें मैगी को बनाना होगा। मैगी बनाने के लिए हमने ले लिया है फ्राई पैन, इसको हम गैस पर रख लेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ऑयल 2 टेबल स्पून और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज, और हरी मिर्च प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर डालने के बाद हमें इनको भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी अच्छी तरीके से भून चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 1 गिलास के करीब पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी हमें ऐड करना है बस इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैगी। मैगी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैगी मसाला और अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन सब मसाले को अब हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ढक के अच्छे तरीके से मैगी को हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसको हम बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। मैगी को अच्छे से ड्राई होने तक इसको हमें पकाना है। मैगी हमें बिल्कुल सूपी नहीं रखनी है, मैगी बिल्कुल ड्राई चाहिए हमें। तो इसको इसी तरीके से हम ड्राई होने देंगे मैगी को। ये देखिए फ्रेंड, मैगी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हमें मैगी को ड्राई करना है, ये देखिए। और अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इस मैगी को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है पहले। तो जब तक हमारी मैगी ठंडी हो रही है, जब तक हम ब्रेड के जो साइड के कॉर्नर होते हैं उनको हम कट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से कट करना है, इसका जो नाइफ से आप इसको आराम से इस तरीके से कट कर लें। इसकी जो साइडें हैं चारों तरफ की, उसको हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारी ब्रेडों को कट करना है। और ये जो आप जो कट कर रहे हैं इसको आप फेंके ना, इसका आप ब्रेड क्रम बना के यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करके और मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें, ये आपका ब्रेड क्रम बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसी तरीके से सारे ब्रेड कट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, सारे ब्रेड के साइड साइड हमने कट कर लिया और हमारा मैगी भी अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम इनका मैगी रोल बना लेंगे। ये लिया है हमने 2 चम्मच मैदे में 1/2 कटोरी पानी डाल के इसका हमने पतला सा घोल बना लिया है। तो अब हम बनाएंगे मैगी रोल। तो इस तरीके से हम ब्रेड को लेंगे और इसको हमें हल्का सा इस तरीके से इस पर बेलन चलाना है। इसके बीच में हम रखेंगे मैगी इस तरीके से, और इसके साइड में हम लगाएंगे ये जो हमने मैदे का घोल बनाया है, इसको हम इस तरीके से साइड में लगाएंगे चारों तरफ। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमें चारों तरफ लगाना है। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
इस तरीके से हल्के हाथों से ऐसे हम दबा देंगे। चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से इस तरीके से दबा देना है। तो ये देखिए मैगी रोल बन गया हमारा। ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी का बचा हुआ भी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम सारे मैगी रोल्स बना के रेडी कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे मैगी रोल्स बना के रेडी कर लिए हैं। और ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून आरारोट, जिसके अंदर हमने आधे छोटी कटोरी पानी ऐड करके इसको पतला सा बैटर बना लिया है। और ये है हमारा ब्रेड क्रम्ब। मैगी रोल लेके इसको इसमें हम इस तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से लपेट लेंगे अच्छे से। और इसको हमें इस तरीके से रेडी करना है। इसी तरीके से हम सारा मैगी रोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तो पहले हम इनको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे मैगी रोल रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई। इसके अंदर हमने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और अब हम इसके अंदर मैगी रोल फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। और इसी तरीके से हमें इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्रेंड, एक तरफ से ये मैगी रोल फ्राई हो चुका है। और अब हम इसको दूसरे तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। और इधर से भी हमें इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैगी रोल फ्राई हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ मैगी रोल भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैगी रोल बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।